दोस्तों सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जितने भी विद्यार्थी 2022 में बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों आपको मालूम है और मैंने आपको अपडेट के माध्यम से बताया है कि इस बार जो है दो चरण में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, टर्म वन और टर्म दो के रूप में। पहला टर्म एग्जाम होगा जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है, दूसरा टर्म एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल में होने वाली है। ठीक है, आपको पता है कि टर्म वन जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टर्म दो में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि टर्म वन का जो डेट शीट है वो आज हम जारी करेंगे। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से हैं, तो सभी विद्यार्थी आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आप सभी के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में, और देखते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या बताया गया, पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि आज जारी होगा सीबीएसई टर्म वन परीक्षा का शेड्यूल। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो डेट शीट है टर्म वन का जो है आज जारी होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो देखिए यहां पे झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी के लिए भी यहां पे क्या जानकारी दी गई है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो लिखा है कि टर्म परीक्षा यानी कि टर्म वन परीक्षा में एमसीक्यू पैटर्न पर पूछे जाएंगे प्रश्न। एमसीक्यू का मतलब हो गया मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि चार ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, आपका मार्कशीट पर एग्जाम्स लिया जाएगा। देखो लिखा है कि शाम 5 बजे तक कॉपी की करनी होगी जांच, और यहां पे ये भी बताया है कि टर्म वन एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होता है 5 बजे शाम तक में जो है उनकी कॉपी का जांच भी कर लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है। देखो इसमें क्या लिखा है कि सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म वन परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी। यहाँ पे डेटशीट क्या बताया है कि 24 नवंबर से जो है सीबीएसई बोर्ड वाला जो है टर्म वन एग्जाम्स लेने वाला है। झारखंड बोर्ड के लिए भी क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो क्या लिखा है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, टर्म वन की डेटशीट की घोषणा आज यानी कि सोमवार को होगी। आज सोमवार है, आप लोगों का डेटशीट जारी होने वाला है, और आप जो है जो सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी डेटशीट जो है सबमिशन कर दिया जाएगा। 3 बजे के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है बोर्ड के अनुसार परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप बना यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर जो है प्रश्नों को तैयार किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को जो है 90 मिनट का यानी कि 90 मिनट का जो है आप लोगों को समय सीमा दिया जाएगा। स्कूलों की परीक्षा सुबह 11 बजे होगी, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 11:30 बजे से आप लोगों का परीक्षा जो है शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को जो है 11 बजे तक में वहाँ पहुंच जाना है, प्रेजेंट हो जाना है। देखो यहाँ लिखा है कि टर्म वन की परीक्षा में सिलेबस से 50% हिस्से से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 75% आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें आपका जो है 50% सिलेबस जो है वो एमसीक्यू टाइप का है, फर्स्ट टर्म में आप लोगों एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आगे लिखा है कि परीक्षा के दिन ही जारी होगा आंसर की, यानी जिस दिन परीक्षा आप लोगों का लिया जाएगा, जिस दिन आप लोगों का टर्म वन का एग्जाम होगा, जिस विषय का होगा, उसी दिन जो है आप लोगों का आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखो इसमें क्या लिखा है कि बोर्ड विषयवार परीक्षा की आसार की जारी करेगा, यानी कि जो है आप लोगों को बता दें कि बोर्ड जो है जो एग्जाम्स लिया जाएगा उसी दिन 5 बजे जो है शाम तक में जो है उसका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। स्कूलों को आंसर की प्रत्येक दिन परीक्षा के बाद 1:00 PM के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी, और भी विद्यार्थियों के पास लगभग 5 या 5:30 बजे तक जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको जो है आपको आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखो इसमें आगे लिखा है कि इससे किसी भी विषय के शिक्षक विद्यार्थी की कॉपी जांच कर सकते हैं, शिक्षकों को या विद्यार्थी अपने कॉपी जो आपको दिया जाएगा, जो मार्कशीट दिया जाएगा, सॉरी आपका जो क्वेश्चंस पैटर्न दिया जाएगा और जो आपका क्वेश्चंस बुकलेट होगा उससे आप अपना जो है नंबर मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि शाम 5 बजे तक खत्म करने का निर्देश जो है सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों ने दिया है, साथ ही मार्कशीट पर बोर्ड के रीजन ऑफिसर को भेजना होगा, यानी कि जो मार्कशीट होगा वो रीजन ऑफिस जो है भेज दिया जाएगा। आगे लिखा है कि टर्म परीक्षा के अंक से मिलेंगे बोर्ड में अंक, यानी कि दोस्तों टर्म वन में जो है जो आप एग्जाम देंगे जो आपका अंक मिलेगा उसके आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में जो है अंक को एड कर दिया जाएगा, अंक उसमें दिए जाएंगे। लिखा है कि कोरोना काल में विद्यार्थियों के अंक को लेकर हुए परेशानी को देखते हुए बोर्ड ने यह इस सत्र में 2 बार टर्म एग्जाम्स लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने क्या किया है कि 2 टर्म में एग्जाम्स आप लोगों का लेने का जो है निर्णय लिया है, फैसला लिया है। टर्म वन का जो अंक होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में जोड़ा जाएगा। इसमें लिखा है कि इसके लिए सीबीएसई
कि सिटी के ऑर्डिनेटर स्कूलों में ऑब्जेक्टिव वर की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद लिखा है कि परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाने, यानी कि देखो दोस्तों यहाँ पे बताया था, पहले भी बताया था कि 24 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा, तो उससे 10 दिन पहले यानी कि आप कह सकते हैं कि 14 या 15 नवंबर को जो है आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। आगे लिखा है यहाँ पे कि टर्म वन की परीक्षा स्कूल की ओर से संचालित होगी, जबकि टर्म टू की परीक्षा मार्च व अप्रैल 2022 में बोर्ड की परीक्षा के निगरानी यानी कि बोर्ड की निगरानी के अनुसार आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। इन दोनों टर्म में हासिल अंक के आधार पर ही विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जो है प्रकाशित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से जो है लग जाइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड ने अपडेट निकाला है, जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड तैयारी कर रही है, इसके ही अनुसार इसके ही आधार पर जो है जैक बोर्ड भी तैयारी करती है। और हमको ऐसा अनुमान लग रहा है कि अब जल्द ही जैक बोर्ड जो है आपका टर्म वन का एग्जामिनेशन का डेट शीट भी जारी करने वाली है। दोस्तों आगे इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहने के लिए और हमसे बात करने के लिए आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जो है जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।